कारों को लोकप्रिय बनाने वाले प्रख्यात अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड का बिजनेस करियर शून्य से शिखर तक पहुंचने का प्रेरक उदाहरण है। 40 वर्ष की उम्र तक उन्हें कई बिजनेस चौपट हो चुके थे और वे लगभग दिवालिया थे। किसान परिवार में जन्मे हेनरी फोर्ड बचपन से ही मशीनों में रुचि लेते थे। अपने पिता के सो जाने के बाद वे घड़ियों से खेला करते थे। 16 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद वे दिन में स्टीम इंजन सुधारने का काम करते थे और रात को घड़ी सुधारने का। हर दिन वे लगभग 13-14 घंटे काम करते थे। फोर्ड ने एक ऐसी कार बनाने का सपना देखा जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपयोग हो। वे इतनी सस्ती कार बनाना चाहते थे कि आम आदमी उसे खरीद सके। इस सपने को सच करने में वे लगन से जुटे और अंत में उन्हें सफलता मिली। एक बार फोर्ड एक ऐसा इंजन बनाना चाहते थे जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो। उन्होंने अपने इंजीनियरों से कहा, मन ही मन में हंसते हुए इंजीनियरों ने कहा, यह असंभव है। परंतु फोर्ड ने कहा कि इस काम को करना ही है। मन मसोर कर इंजीनियरों ने एक साल तक मेहनत की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इंजीनियरों को लगा कि अब फोर्ड अपनी जिद छोड़ देंगे, परंतु फोर्ड अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि वे इस काम में तब तक जुटे रहे जब तक वे सफल न हो जाए। लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार एक दिन इंजीनियर V8 मोटर इंजन बनाने में सफल हो गए। असंभव शब्द फोर्ड के शब्दकोश में नहीं था, इसी वजह से उन्हें यह इंजन बनाने में सफलता मिली।